दोस्तों, आज हम बात करेंगे वर्तमान में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा और भविष्य में बनने जा रही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा के बारे में। तो आज के अपने विषय पर जाने से पहले आप सभी दर्शकों से यह रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन सज्जनों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वह जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को भी दबा दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा भारत के गुजरात राज्य में नर्मदा नदी पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय राजनेता और स्वतंत्रता कार्यकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक विशाल प्रतिमा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नादियाद में हुआ था, जो कि अब गुजरात में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की कुल ऊंचाई 182 मीटर है। यह प्रतिमा गुजरात राज्य के वडोदरा शहर से 100 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में और सूरत से 150 किलोमीटर दूर केवड़िया कॉलोनी में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध के निकट स्थित है। इस परियोजना की घोषणा वर्ष 2010 गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने किया था। प्रतिमा का निर्माण कार्य भारत की लार्सन एंड टुब्रो कंपनी को दिया गया, जिसके फलस्वरूप कंपनी ने प्रतिमा का निर्माण कार्य वर्ष 2013 में शुरू किया, जिसकी कुल निर्माण लागत 2,989 करोड़ रुपए थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का डिजाइन भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 182 मीटर की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जिसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल द्वारा बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए गुजरात सरकार ने 500 करोड़ और केंद्र सरकार ने 200 करोड़ आवंटित किए थे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बनाने में कुल 57 महीने लगे हैं, जिसमें से योजना के लिए 15 महीने, निर्माण के लिए 40 महीने और कंसोर्टियम द्वारा सौंपने के लिए 2 महीने। लार्सन एंड टुब्रो ने मूर्ति के निर्माण में 3,000 से अधिक श्रमिकों और 250 इंजीनियरों की नियुक्ति की थी। प्रतिमा के मुख्य भाग में सीमेंट कंक्रीट के 2,10,000 क्यूबिक मीटर, 6,500 टन स्टील और 1,700 टन कांस्य प्लेट और 1,850 टन कांस्य पैनल का इस्तेमाल किया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में प्रदर्शनी क्षेत्र और छत शामिल है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के जीवन और उनके योगदानों के बारे में बताता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में एक निकटवर्ती ऑडियो विजुअल गैलरी है, जिसमें सरदार पटेल और राज्य की जनजातीय संस्कृति का भी वर्णन है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में 153 मीटर की ऊंचाई पर एक गैलरी स्थित है, जिस पर लिफ्ट के मदद से पहुंचा जा सकता है। इस लिफ्ट में एक बार में 26 लोग गैलरी तक पहुंच सकते हैं। इस प्रतिमा का निर्माण कार्य 30 अक्टूबर 2018 को पूरा कर लिया गया है और 31 अक्टूबर 2018 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा विश्व की इस सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। वहीं दूसरी तरफ भारत में ही भविष्य की बनाई जा रही विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा पर कार्य प्रगति पर है। शिव स्मारक या छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक भविष्य में विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का खिताब स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से छीन लेगी, जिसे अरब सागर में महाराष्ट्र राज्य के मुंबई शहर के निकट बनाया जा रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज स्मारक का डिजाइन भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार द्वारा बनाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म वर्ष 1630 में शिवनेरी फोर्ट में हुआ था। उनका पूरा नाम शिवाजी भोसले था। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज तिलक वर्ष 1674 में हुआ था। वह एक मराठा राजा थे। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने जीवन काल के दौरान मुगल साम्राज्य, गोलकुंडा सल्तनत, बीजापुर के सुल्तान, साथ ही यूरोपीय उपनिवेशक के साथ युद्ध किए। शिवाजी महाराज ने
प्राचीन हिंदू राजनीतिक परंपराओं और अदालती सम्मेलनों को पुनर्जीवित किया। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा मुंबई के गिरगांव चौपाटी समुद्र तट के सामने स्थापित होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का शिलान्यास 24 दिसंबर 2016 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी द्वारा किया गया था। शिवाजी महाराज की प्रतिमा की कुल ऊंचाई 212 मीटर की होगी, जिसमें सिर्फ प्रतिमा की ऊंचाई 126 मीटर और पेडेस्टल की ऊंचाई जिस पर प्रतिमा को रखा जाना है 84 मीटर तय की गई है। शुरुआत में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के निर्माण की कुल लागत 3826 करोड़ तय की गई थी, परंतु बाद में इसे घटाकर 2500 करोड़ रुपए तय किया गया, जिसमें 1,30,000 स्क्वायर मीटर धरातल क्षेत्रफल लिया जाना तय है। इस परियोजना में शिवाजी महाराज की प्रतिमा के साथ साथ आगंतुक केंद्र भवन, एक स्मारक उद्यान, एक पुस्तकालय, एक खाद्य न्यायालय, 10,000 लोगों के लिए कमरे के साथ सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जाना तय है। स्मारक में एक संग्रहालय, प्रदर्शनी गैलरी, रंगभूमि, एक हेलीपैड और अस्पताल का भी निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना के लिए एगिस इन इंडिया को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट नियुक्त किया गया है। सरकार के अनुसार इस परियोजना का निर्माण कार्य वर्ष 2021 तक पूरा कर लिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का विषय समाप्त करते हैं। धन्यवाद।